अल्लाह ने यह जिस्म दिया है इस पर मैं खिलाफत कायम करूं अल्लाह की, अपने वजूद के ऊपर अल्लाह का हुक्म कायम करूं, मैं खलीफतुल्लाह बन गया अपने वजूद पर। फिर अपना घर, आपका दायरा इख्तियार, आपका दायरा इख्तदार, इसमें खलीफा बन जाए अल्लाह के, अल्लाह के हुक्म को नाफिज करे। लेकिन अगर हम यह भी नहीं कर सकते, अपने घर में खिलाफत नाफिज नहीं करते और फिर भी नाम लेते हैं खिलाफत का और इस्लामी निजाम का और इस्लामी इंकलाब का, तो हमसे बड़ा झूठा और फरेबी कोई नहीं। फिर ये लोग जो ये दो मरहले तय कर चुके हों, बुनियाद मरसूस बने, एक ताकत बने, एक कुव्वत बने, एक अमीर एक कायद की आवाज पर नब्बे कह निकल आए सर से कफन बांधकर, ऐसे लोग एक हुक्म पर रुक जाए, आगे बढ़ने का हुक्म हो तो बढ़े, रुकने का हुक्म हो तो रुके, ये एक ऐसी जमात। और वो क्या करेगी, जब तक तादाद कम है, नहीं अनिल मुनकर बिल लिसान, जबान से बुराई से रोकना। देखो भाई, खुदा के लिए बाज आ जाओ, हाथ जोड़ कर कहना ये शय हराम है छोड़ दो, कौम से कहना, हुकूमत से कहना, सूद हराम है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग मत करो, अगर अल्लाह से जंग करोगे तो वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा। इन सुकुमल्लाह फला गालिब अलैकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम पर गालिब कोई नहीं आ सकता। वन यखज़ुकुम फबंजन लदी यंसुरकुम मिन बादी, अगर वो तुम्हारी मदद छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद को आएगा। इन सारी चीजों को सामने रखिए, जब तक कि वो ताकत नहीं है, नहीं अनिल मुनकर बिल लिसान, और जब ताकत हो जाए तो फिर चैलेंज किया जाए, अब हम ये काम नहीं होने देंगे, हमारे जीते जी नहीं होगा। इसका नाम है शरीयत की इस्तिलाह में नहीं अनिल मुनकर बिल यद, ताकत के साथ।